बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने आई हूँ। कमेंट्स के द्वारा लगभग 90% लोगों का एक ही सवाल मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के आप सभी को बता देना चाहिए। तो चलो, लोगों के सवाल क्या थे वो बताती हूँ। लोगों का एक सवाल है, दरबार कब खुलेगा? मतलब जो करौली सरकार के भक्त थे वो दरबार आना चाहते हैं और दरबार के नियम को अपनाना चाहते हैं, परेशान हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम दरबार आएं और हम दरबार के नियम को अपना के हम पूरी तरह से ठीक हो जाएं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। और आप लोगों ने गुरुदेव के मुख से सुना भी था कि गुरुदेव बहुत जल्दी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भक्तों से बात करने वाले हैं। तो क्यों डिले हो रहा है कि गुरुदेव लाइव नहीं हो पा रहे थे, वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि गुरुदेव कब आएंगे और कैसे आप लोगों से बात वो करेंगे, कब करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गुरुदेव लगभग 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भक्तों के साथ मैं लाइव बात करने वाला हूँ। तो अभी तक हुआ नहीं, तो बहुत से भक्त घबरा गए कि गुरुदेव ने बोला है लाइव कब आएंगे, कब आएंगे, अभी तक हुआ नहीं है, कुछ बताइए माई जी, बताइए। कमेंट्स के द्वारा आप लोग के बहुत सारे एक ही प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि चलो बताते हैं। तो गुरु जी ने बोला है लाइव आने के लिए, तो जाहिर सी बात है गुरुदेव हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने बोला है तो जाहिर सी बात है वो आएंगे ही आएंगे। कुछ कार्य होगा, कुछ काम होगा, कुछ प्रोसेसिंग में चल रहा होगा, कुछ कोई चीज़ तो चीज़ हो इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो गुरुदेव ने बोला है तो आएंगे। तो अभी कुछ दिन ही पहले पहले पता चला कि गुरुदेव स्पेशली आप सभी भक्तों से बात करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस रूम रेडी कर रहे हैं और उसके अंदर वीडियो कॉलिंग से आप लोगों से बात करने के लिए, तो वो सारे मतलब एक सेटअप बिठाना पड़ रहा है उनको। तो उस चक्करों में काफ़ी डिले हुआ और वो कार्य चल रहा है, बहुत जल्द ही हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को गुरुदेव का जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल, उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से और गुरुदेव पोस्ट बना के भी डाल देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को गुरु जी से लाइव वीडियो कॉलिंग द्वारा कैसे आप बात कर सकते हो। उसके अंदर गुरुदेव कह रहे थे कि उसके अंदर भी सेम, जैसे कि दरबार में आप पहली बार आते हो या फिर सात हवन करके अमावस्या करके अगर आप दरबार आते हो, और ख़ास करके हाँ ये वीडियो कॉलिंग में खास करके जो भक्त सात हवन अमावस्या कर लिए हैं वो लोगों के लिए खास करके है, जो असर की वजह से बहुत परेशान है। तो जैसे आप दरबार में टोकन लेके मुलाकात करते हो, वैसे ही वैसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आपको टोकन लेना पड़ेगा। उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर आपको वहाँ पे दिया जाएगा। एक दिन में गुरुदेव लगभग 30 से 50 लोगों को अवश्य देखने की कोशिश करेंगे और उतना टोकन भी ऑनलाइन दिया जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा होगा कि आप लोग टोकन लेके गुरुदेव से बात कर सकते हो, टोकन वाइज ऑनलाइन ही टोकन आपको लेना पड़ेगा। और कैसे फॉर्म भरना है और किस साइट पे, मतलब किस वेबसाइट से करना है, क्या है, सारी जानकारी आपको गुरुदेव के चैनल पे 1-2 दिन के दिन अवश्य मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके द्वारा आप वो ऑनलाइन टोकन लेके, फॉर्म भर के ऑनलाइन टोकन लेके आप गुरुदेव से वीडियो कॉलिंग द्वारा माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो। और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि माई जी हमें आपसे बात करना है, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, और मतलब बहुत सारे भक्त मेरे जो वीडियोस रहते हैं, मैं कमेंट्स देखती हूँ उसके अंदर कभी कभी बैठ के, तो लोग ये कहते हैं तो मैं मोबाइल नंबर तो नहीं दे सकती, ठीक है, वीडियो कॉलिंग वीडियो बनाती हूँ तो उसमें भी नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वीडियो में अगर मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ तो सब लोगों के पास चला जाएगा, कोई यूज़ करेगा, कोई मिसयूज़ करेगा, इसलिए मोबाइल नंबर मैं नहीं देती। लेकिन अगर आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो और कुछ जानकारी, कुछ नए अपडेट्स, कनेक्टिविटी बना के रखना चाहते हो मेरे से, तो आप लोग मेरा जो चैनल है रियल ज़िंदगी व्लॉग विद माही, तो उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन रहता है, तो आप सब सब्सक्राइबर हो, जो नए भक्त देख रहे हैं वीडियो वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को, तो जिससे क्या होगा कि जब भी मैं लाइव आऊँगी या फिर कोई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच मिल जाएगा कि मैं वीडियो अपलोड की हूँ, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। और दूसरा,
सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का ऑप्शन दिया रहता है, ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया रहता है। तब जब आप ज्वाइन करते हो तो उसमें ज्वाइन ऑप्शन ज्वाइन करोगे तो उसमें 159 रुपीस मांगता है, मतलब आपको आपको देना पड़ेगा 159 रुपीस। तो जैसे आप 159 आप कार्ड के द्वारा देते हो तो वो यूट्यूब के पास जाता है पैसे, और यूट्यूब के पास जाता है, भविष्य में हमें भी वो कुछ परसेंट हमें भी देंगे, यूट्यूब भी रखता है। तो और उसमें क्या रहता है कि ज्वाइन वही लोग करते हैं जो जिसको सच में परेशानी है, जेन्यून पर्सन ही लोग ज्वाइन होंगे, और मतलब वही क्वेश्चन करेंगे, आलतू फालतू लोग ज्वाइन नहीं होंगे, सही जूनियर लोग ज्वाइन होंगे, जिसको परेशानी है वो लोग अपना प्रश्न पूछेंगे और ज्वाइन होंगे। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और उनको स्पेशल मतलब जो जानकारियाँ रहेगी सबको मैं वीडियो या फिर पोस्ट बना के मैं पर यूट्यूब पर नहीं डाल सकती, लेकिन कुछ जो जो लोग ज्वाइन मेम्बर रहते हैं तो उनको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि सच में उन लोग को परेशानी है तभी उन लोग ज्वाइन किया हुआ है। तो आप लोग वैसा आप कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को जाके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और रही गुरुदेव वीडियो कॉलिंग की बात, तो वो 2-4 दिन के अंदर लगभग 3-4 जून तक वीडियो कॉलिंग से बात होने की पूरी संभावना हो जाएगी। और दरबार कब खुलेगा, तो दरबार लॉकडाउन के बाद ही खुलेगा। लॉकडाउन जिस दिन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट मतलब ख़त्म हुआ, उसके 15 या 1 महीने बाद गुरुदेव अपना दरबार भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों से यही है कि दरबार अभी तो बंद है, लेकिन अगर आप लोग को समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप गुरुदेव से दिखा सकते हो। बाकी मेरे चैनल से ज्वाइन होके कुछ जानकारी आप लेना चाहते हो, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। और कुछ प्रश्न और भी थे भक्तों के, क्या थे, हाँ कोई एक भैया थे, उनका प्रश्न ये था कि भूत प्रेत नहीं हो सिर्फ बीमारी हो, तो क्या बीमारी का भी इलाज होता है। देखिए, ऐसा कोई परिवार नहीं पूरे धरती पे जिसके ऊपर भूत प्रेत और पूर्वज ना हो, ठीक है, पूर्वज तो रहते ही हैं, ठीक है। तो जो बीमारी हो, बीमारी अगर आप दवा, अगर बीमारी है तो दवा करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी दवा करने से ठीक नहीं हो रही है, दवा कर रहे हो, 2-4 दिन आराम मिल रहा है, फिर वापस वो शुरू हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर भूत प्रेत और पूर्वजों का साया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, दरबार आइए, हवन या नमन जो 2 प्रोसेस उसको अपनाइए और सही हो जाएंगे। उसके बाद एक भैया का प्रश्न था कि घर में हवन करने के लिए क्या करना पड़ता है, घर में हवन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके लिए दरबार आना पड़ेगा आपको, दरबार आके हवन किट लेके आप घर पे कर सकते हो। उसके बाद लिखा है कि हवन के लिए सामग्री क्या लगती है, देखिए ये तो सामग्री क्या लगती है, ये हवन किट आपको मिलेगा दरबार से, उसके अंदर क्या क्या सामग्रियाँ डाली है वो खुद आप हवन किट खरीद के देख सकते हो, और ये दरबार से ही मंगवानी पड़ेगी, मार्केट से आप इसे ले नहीं सकते। और हवन करते समय कौन सा जाप करना है, तो कोई जाप करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हो तो बैठिए, मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाइए, पिक्चर देखना है तो पिक्चर देखिए, बस हवन अगर जल रहा है, हवन हो रहा है तो 2 घंटे आपको हवन के सामने बैठना है। जाप करने की इच्छा है आप तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर लिखा है कि क्या बिना मंत्रों के हवन होना संभव है, देखिए 5 साल का बच्चा भी इस हवन को कर सकता है, बहुत इजी है, 5-10 साल का बच्चा भी इस हवन को कर सकता है, इसके अंदर कोई मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं करना रहता है, बस आपको आहुति डाल के छोड़ देना है, जब तक हवन आग जल रही है और जब तक ठंडा ना पड़ जाए तब तक वहाँ से उठना नहीं है, बाकी जो कार्य करना है दरबार वो कार्य करता है। उसके बाद है, माही दीदी आप कैसे हो, आपसे जानना था कि दरबार कब खुलेगा, लॉकडाउन के बाद दरबार खुलेगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो वीडियो कॉलिंग से गुरुदेव से बात करिएगा, 3-4 मार्च को स्टार्ट शायद हो जाएगा। मेरे से बात करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को, और डायरेक्ट आप मेरे से जुड़ सकते हो, वहाँ पर मेरे
मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बोलिए प्यार से करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।